दोस्तों वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय रावत। तो दोस्तों आज मैं आपको एसएससी सीएचएसएल एसएससी एमटीएस के जितने भी कैंडिडेट टायर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका एसए आता है, एप्लीकेशन आता है, लेटर आता है, प्रेस साइज आता है, ठीक है। तो इन सभी में अगर आप देखा जाए तो लेटर इज द बेस्ट ऑप्शन। लेटर बेस्ट ऑप्शन होता है, आपको कम समय में कम वर्ड में मतलब आप पूरा इसको लिख सकते हैं अच्छी तरीके, अगर अच्छी तैयारी अगर आपकी अच्छा आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपका जल्दी से कम समय में कम वर्ड में मतलब आप अपने लेटर को पूरा लिख सकते हैं और एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो लेटर एक बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। आप उसको लिखोगे कैसे, उसको लिखना है कैसे, उसका फॉर्मेट रहना चाहिए, कितने वर्ड्स लिखने चाहिए, ये मैं पूरा बताऊंगा। तो एसएससी एमटीएस एसएससी सीएचएसएल जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं आज का जो लेटर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये लेटर है कि आपके क्षेत्र में पोस्ट मास्टर को पत्र लिखिए जिसमें मनी ऑर्डर प्राप्त न होने की शिकायत हो। मतलब आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा, अगर आपके एग्जाम, ये मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे ही ये हॉट टॉपिक है, मतलब कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझे। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे एक लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखिए जिसमें आपको मनी ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ और आप शिकायत कर रहे हो, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपका जो यहाँ पे जो दिया गया है आपके अपने, ठीक है, जिस टॉपिक पे आपको दिया गया है पहले उस टॉपिक पे देखिए कहीं एड्रेस दिया हुआ है, कहीं पोस्ट मास्टर का एड्रेस दिया हुआ है, नहीं दिया गया। और सबसे पहले आपका नाम भी नहीं दिया गया। जैसे ये होता है कि आप लेटर लिखने से पहले इतनी माइंड अपनी इतनी बातें अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपको उस लेटर में मतलब एग्जाम की कॉपी में आपको अपना नाम, आपको अपना रोल नंबर, आपके रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ भी नहीं लिखना है। मतलब आपको अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, आपके अपने एग्जाम के आंसर शीट पे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना बस एड्रेस भी आप अपना नहीं देंगे, बस आप बताएंगे क्या, आप बताएंगे कि कहाँ से आप लिख रहे हो पत्र। पहला पोर्शन होता है कि आप पत्र कहाँ से लिख रहे हो, इसमें आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको अपना कुछ भी नहीं देना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है क्योंकि ये एसएससी के नोटिफिकेशन में पूरी तरीके से लिखा गया है कि आंसर कॉपी में आप अपना रोल नंबर, नाम, अपना एड्रेस भी आप नहीं लिख सकते, ठीक है। आप यहाँ तक कि आप परीक्षा यानी जहाँ पे आपका सेंटर गया वो उसका भी नाम आप नहीं लिख सकते। तो आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे हिंदी कैंडिडेट के लिए वीडियो है, ठीक है, आप लिखोगे परीक्षा भवन, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे परीक्षा भवन, ठीक है, परीक्षा भवन लिखोगे और कहाँ पे सेंटर गया उसका भी नाम नहीं देना है, बस आपने परीक्षा भवन लिख दिया, हो गया इतना, क्लियर है। परीक्षा भवन लिखने के बाद दूसरा जो लाइन होगा वो आप डेट लिखोगे, किस डेट को आप लिख रहे हो। देखिए डेट में कोई इशू नहीं है क्योंकि डेट जिस दिन आपका पेपर लिया जाएगा टायर सेकंड का उस दिन का भी आप डेट डाल सकते हो, ठीक है। उसी दिन का आपको डेट डालना भी चाहिए क्योंकि इससे ये रहेगा कि जब कॉपियां चेक होंगी तो हाँ इस समय लिखा गया है इस यानी इस तिथि को, इस डेट को। तो डेट में कोई इशू नहीं है, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन का आप डेट डाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, आज का वीडियो मैंने बनाया आज के दिन 2 जनवरी को, मैं तो आज मैंने डाल दिया 2 जनवरी, ठीक है। और फिर यहाँ कॉमा लगाओगे, जब भी आप किसी महीने का नाम लिखोगे तो उसके बाद आप कॉमा लगाओगे, इससे ये आपको लगाना पड़ेगा, इससे ये क्लैरिफाई होता है कि ये वर्ड थोड़ी अलग अलग है, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो 2 जनवरी, फिर उसके बाद आप यहाँ कॉमा लगाओगे, फिर यहाँ 2022 मतलब जो ईयर है उसको लिखोगे। उसको लिखने के बाद आप जस्ट एक पॉइंट नीचे आओगे, ठीक है। और इतना सब कुछ लिखने से पहले आप क्या करोगे, पहले आप अपनी कॉपी को यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लोगे। अगर आपको पेंसिल और रबड़ अगर ले जाने दे रहे हैं एग्जाम हॉल में तो और भी अच्छी बात है, आप पटरी से पहले एक लाइनिंग कर लीजिए। एक लाइनिंग इसलिए क्योंकि देखिए मैंने किया हुआ, क्योंकि इससे रहेगा कि आप जो भी मैटर लिखोगे वो एक लाइन में चलेगा, आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको पेंसिल रबड़ नहीं ले जाने दे रहे तो आप अपनी कॉपी को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करके उसमें थोड़ा सा निशान बना लीजिए, ठीक है। फोल्ड करने पर उसको थोड़ा टाइट फोल्ड कर दीजिए, फिर अपने आप वो वहाँ पे निशान बन जाएगा, फिर आप लिखना चालू कीजिए, ठीक है। फिर जब पूरा हो जाए फिर इस लाइन को अगर आप पेंसिल से किए हो तो उसको इरेज कर दो और फिर उसके बाद उसको सही से कर दो। तो ये इससे ये रहेगा कि आपका ये मैटर जो है आगे पीछे नहीं होगा, क्लियर। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक पॉइंट मतलब एक लाइन नीचे आओगे, फिर यहाँ लिखोगे सेवा में, ठीक है। फिर यहाँ डैश लगाओगे, जैसे हम लोग पुराने समय में जैसे ये होता है, जैसे आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में आप लिख चुके हो सेम वैसे ही फॉर्मेट में, सेवा में लगाने के बाद आप कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद आप किसको लिख रहे हो उसका नाम तो दिया नहीं गया है टॉपिक में, ठीक है, उसका नाम दिया नहीं आपसे दिया गया, पोस्ट मास्टर को लिखिए। तो पोस्ट मास्टर को आप क्या कहोगे, डाकपाल, डाकपाल कहोगे। उसके बाद उनको महोदय लगाओगे, श्री उड़ी नहीं लिखना है, डाकपाल श्री, आप लिखोगे डाकपाल महोदय,
ये लिखोगे आप डाकपाल महोदय, डाकपाल महोदय लिखने के बाद फिर जस्ट आप जहां से सेवा में आपने लिखा था उसी के जस्ट नीचे आओगे, ठीक है, डाकपाल महोदय के एक लाइन नीचे और इसी के सीधे लाइन में आप आओगे। यहां आप लिखोगे विषय, ठीक है, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट में आपसे लिखने के लिए कहा गया है। तो देखिए ये सब्जेक्ट आपको कहां से मिलेगा, ये सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन से ही मिलेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप अपने क्षेत्र के पोस्टमास्टर को पत्र लिखिए कि आपको मनी ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, और शिकायत में ये लिखना है, ठीक है। तो आप बस थोड़ा सा सब्जेक्ट सब्जेक्ट ये जो है आप क्वेश्चन से ही उठाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए मनी ऑर्डर प्राप्त ना होने की शिकायत की गई है, तो बस थोड़ा सा दीजिए मनी ऑर्डर प्राप्त ना होने पर, बस इतना, यही सब्जेक्ट है, मतलब मनी ऑर्डर प्राप्त नहीं होने पर ये पूरा लेटर लिखा गया है, ठीक है, ये पूरा लेटर मनी ऑर्डर प्राप्त ना होने पर लिखा गया है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, मतलब आपका विषय हो गया। अब विषय के जस्ट एक पॉइंट नीचे आप आओगे, आप यहाँ लिखोगे महोदय, ठीक है, महोदय आपने लिख दिया, यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगाओगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखना चालू करोगे, जस्ट जहाँ से आपने मनी ऑर्डर और डाकपाल महोदय लिखा है उसके नीचे से आप लिखोगे। ये भी लाइनिंग पे ध्यान देनी है, ठीक है, ये लाइनिंग पे भी आपको ध्यान देनी है, जस्ट इसी के नीचे जैसे मैंने लिखा वैसे ही आप लिखोगे और सेम ऐसे ही फॉर्मेट में रहना चाहिए, ठीक है। फिर आप लिखोगे निवेदन है कि, मतलब सिंपल शब्दों में शुरुआत में आप सिंपल शब्दों में नहीं, मतलब नम्र भाव में लिखोगे, मतलब एक सीधे साधे नम्र भाव में आप लिखोगे, निवेदन है कि मैंने आपके कार्यालय से, ठीक है, एक मास पहले मैंने आपके कार्यालय से एक मास पहले एक हजार रुपए का जब आप लिखे तो का आप जस्ट जहां से आपने महोदय लिखा इस लाइनिंग से सटे हुए आप लिखोगे का, ठीक है, का मनी ऑर्डर कराया था। और यहाँ पे आप करने से लिखने से पहले आप अपने शब्दों को भी देखोगे, जैसे मैंने आपके कार्यालय से एक मास पहला नहीं पहले, मतलब शब्दों का भी ग्रामर का हेल्प नहीं होना चाहिए, तो 1000 रुपए का मनी ऑर्डर कराया था, या मनी ऑर्डर जो था मेरे पिताजी के नाम था, मतलब यह मनी ऑर्डर मेरे पिताजी के नाम था, यही मैटर आप लिख दीजिए एग्जाम में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरी फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी मैटर है ये मैंने काफी रिसर्च करके काफी बुक से मैंने रिसर्च करके और देख कर मैंने ये मैटर पूरा यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो पिताजी के नाम था, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, का मनी ऑर्डर कराया था, 1000 रुपए का मनी ऑर्डर कराया था, या मनी ऑर्डर मेरे पिताजी के नाम था। और फिर यहाँ लिखोगे वहां करने के बाद, फिर यहाँ से आप आओगे पहुंचने का पता, पता भी आप नहीं डालोगे क्योंकि पता कहीं दिया ही नहीं है, आपको अपना एड्रेस देना ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे आबाशा, ठीक है, आबाशा आप लिखोगे। फिर लिखोगे परंतु आज तक वह मनी ऑर्डर, ठीक है, निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचा, ठीक है, इतना आपने लिख दिया। फिर उसके बाद आप लिखोगे ना ही उसकी वापसी का कोई, ठीक है, समाचार मिला। फिर यहाँ पे पूर्ण विराम आपने लगाया, फिर यहाँ पूर्ण विराम, जहां पर आप अपनी बातों को खत्म कर रहे हो वहां पे आपको पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है। फिर आप यहाँ से थोड़ी नम्र निवेदन और करोगे, कृपया आप मामले को देखें और शीघ्र, ठीक है, मनी ऑर्डर उक्त मतलब हमारा पता है, यानी आपका पता, ठीक है, आपका पता मेंशन करना नहीं है, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, उक्त लिखोगे, उक्त पते पर भिजवाए, कार्रवाई की सूचना मुझे भी दे, इतना वर्ड आप पहले लिखोगे आप अपने मनी ऑर्डर के लिए कि आपको मनी ऑर्डर नहीं मिला है, तो वो आपके पिताजी के नाम पर था परंतु मनी ऑर्डर आज तक पहुंचने वाले पते पर नहीं पहुंचा, ना ही उसकी वापसी का कोई मैसेज आया। आप कहोगे कि आप उस मामले को शीघ्र देखें और कोई कार्रवाई की सूचना मुझे भी दे, इतना पहले आपको लिखना है अपने मनी ऑर्डर के बारे में, ठीक है, कि क्यों आपको नहीं मिला और उस पर कार्रवाई के लिए आपने नम्र निवेदन कर दिया, इतनी लाइन आपको लिखना है, ये स्पेशल लाइन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, आपकी फिर निवेदन के मनी ऑर्डर डाकपाल इसके जस्ट सीधे नीचे आओगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या दोगे, यहाँ पे आप अपनी अंतिम लाइन को दोगे, अपनी बातों को खत्म करते हुए थोड़े वर्ड लिखोगे पोस्टमास्टर के लिए, उसकी हेल्प के लिए, ठीक है, कि आपकी सुविधा के लिए मैं उक्त मनी ऑर्डर की रसीद की प्रतिलिपि, मतलब फोटो कॉपी, और फिर यहीं से आ जाना है आपको सीधी लाइन पे, आपके कार्यालय में जमा कर रहा हूँ, इस विलम्ब से मैंने काफी असुविधा और परेशानी का सामना किया है, मेरी प्रार्थना है कि, ठीक है, कि इस मामले में दोषी कर्मचारी को अवश्य दंड मिलना चाहिए, सजा नहीं, दंड मिलना चाहिए, दंड छोटा होता है, सजा काफी ज्यादा होता है, ठीक है, तो दंड मिलना चाहिए, इतना आप लिखोगे, ठीक है, ये मतलब डाकपाल महोदय मैं इस विलंब से मुझे काफी परेशानी और असुविधा हुआ है, मेरी प्रार्थना है कि इस मामले में दोषी कर्मचारी को अवश्य दंड मिलना चाहिए। फिर उतना लिखने के बाद आप यहाँ लिखोगे भवदी, ठीक है, अब फिर आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे, ठीक है, आप अपने नाम की जगह आबा शाह लिखोगे, ठीक है। जब ये पूरा लेटर हो जाएगा फिर उसके बाद अगर आपने पेंसिल से अगर आपने लाइन खींचा है तो आप उसको इरेज कर दीजिए, और अगर आपने फोल्ड किया हुआ है तो उसको सही से अच्छे से उसको ऐसा कर दीजिए कि पता ना चले कि आपने वहाँ पे फोल्ड किया हुआ है। ये रहा आपका लेटर पूरा तैयार।
और ऐसे ही अगर लेटर अगर आप अपने एग्जाम में लिख रहे हो तो गारंटी है, देखिए 33% तो पासिंग मार्क होता है, लेकिन आप अगर ऐसे लिख रहे हो, अच्छे से लिख रहे हो, हर एक क्रम वाइज को जैसे मैंने बताया अगर फॉलो कर रहे हो तो गारंटी है आप टायर सेकंड में अच्छा प्रयास करोगे, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, ये काफी था। ठीक है, ये ऐसे ही टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसे ही टॉपिक मैं आपको बताता रहूंगा जो आपके एग्जाम में आते रहे। ठीक है, जितने भी टॉपिक है मैं सब बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट, तो कैंडिडेट्स या तो मित्र, ऐसे ही आपको लेटर लिखना है। अगर आपको ये लेटर लिखने का ये जो मेथड मैंने बताया है अगर आपको कुछ भी बेनिफिशियल आपके लिए लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, हैशटैग हमारी एकेडमी।